गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम करने वाले हैं अपने एनवायरनमेंट का चैप्टर 4, लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 3 हमारा क्या था? चैप्टर 3 हाँ, वो नाथपाती काटती, नाथपाती उसने महसूस किया था ऑर्गेन सेंस। हाँ ऑर्गेन्स ना, यस यस। तो हमने किया था इससे पहले आवर ऑर्गेन्स। तो आज हम करने वाले हैं माय सेंस ऑर्गेन्स, हमने ये किया था चैप्टर 3 में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4, लुकिंग आफ्टर माय बॉडी, मतलब देखो मेरी बॉडी को बाद में, मतलब देखो बाद में मेरी बॉडी को। ठीक है, तो चलो जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले सोनम ठीक से रीड करो, क्या इसे रीड करो। मैम मैं अच्छी हूँ, सोनम नहीं, अच्छी ही बोल रही हूँ मैं। अच्छा, साइना साइना पेट कितने इज इन हेयर दे बटन नहीं। मैम ये क्या लिखा है? बाथटब बाथटब बाथटब। ओके मैम, बाथटब साइना इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर हर हर। जो साइना है वो पेट को यानी किटी को, बिल्ली के बच्चे को हम बोलते हैं किटी, तो उसको नहला रही है बाथ टब में। और उसके लिए एक साइना जो है उसके लिए एक हर वहां लगता है जहां कोई चीज लड़की हो। तो जो ये किटी है ये गर्ल है, तो ये इसको हर बोल रही है। फिर इसने ये गाया है, रक्षी से रीड करो। आई ली विप यू क्लीन विथ दिस टूल टॉवल टॉवल ब्लू योर मिल्क एंड ब्राइड आर अच्छा ब्रेड आर वॉकिंग फॉर यू फॉर यू। इसने बोला है तुम मुझे नहला रही हो साफ से, इस टॉवल से साफ कर दो, ब्लू टॉवल से। एंड योर मिल्क एंड ब्रेड, जो तुम्हारा दूध और ब्रेड जो जो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। मतलब ये केटी कह रही है इससे, सेना से, कि मतलब मुझे अब साफ कर दो, मुझे मतलब इसे भूख लगी होगी, तो ये बोल रही है कि मुझे मिल्क के साथ ब्रेड का खाने का मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है। गुरुबा Yes, ma'am. Our body is important to use to us. ये us है. Okay, to us we most look after it in every way. Why? Way a looking body a clean body is a healthy body. We must follow good habits to stay healthy. तो इसमें बोला है हमारी, आवर बॉडी इज इम्पोर्टेंट टू अस, हमारी बॉडी है जरूरी हमारे लिए। हम उसको देखते हैं सब कुछ, मतलब हम अपना इस बॉडी से सब कुछ करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को क्लीन, मतलब सफा साफ, यानी हमेशा नहाना, साफ रखेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो हमेशा अच्छी रहेगी,
हेल्दी रहेगी, मतलब तंदुरुस्त रहेगी। और अब हम इस गुड हैबिट को फॉलो करेंगे तो हम बहुत स्टे हेल्दी, यानी हम हेल्दी रहेंगे हमेशा। अभी जैसे कोविड चल रही है, तो कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बॉडी वीक थी, जो वैसे बॉडी से सही हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं, उनकी बॉडी मतलब ठीक हो गई है। इसमें यह है कि हम लोगों को अगर अच्छी हैबिट फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी हमेशा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे हमेशा। ठीक है, ओके गुरु, आप इसको रीड करो। मरुश ब्रश 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 आवर टीथ योर ओके योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। गुड, अरे गुरुबा पहले से ना आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हुई है। ये इसलिए हुई है क्योंकि आप अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस वाले ग्रुप में आप अपनी रीडिंग भेजती, मतलब रीडिंग नहीं, जिसे अपनी हर रोज की रूटीन बताना। देखो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले, हमने आफ्टर बिफोर इन ये किया था हमने अपने मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट में। यस मैम, हाँ तो ये आपको आना चाहिए, बिफोर बोलना नहीं आ रहा आपको, इस पे थोड़ा काम करो। अब इसमें देखो उन्होंने क्या बता रखा है, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग, अपने ब्रश को साफ किया करो सुबह और रात में सोने जाने से पहले। मींस ब्रश योर टीथ, मेरे पीछे पीछे सारे बोलो, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग and at night before going to bed okay। अब यहाँ पर मैं छोटी सी चीज बताती हूँ। जैसे आप लोग बोलते हो I wash my teeth, तो आप लोग को ऐसे बोलना है I brush my teeth in the morning and at night before going to bed। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैंने ब्रश किया, सुबह भी किया और रात में भी किया, और बेड पर जाने से पहले किया, रात में बेड पर जाने से पहले किया। तो आप सब ऐसे रक्षी एंड गुरुबा आप दोनों को ही अभी पता है क्योंकि क्लास आप दोनों ले रहे हो, तो आपको पता है, आपको बोलना है ब्रश, यहाँ पे लगाना है माई, ब्रश माई टीथ, ये नहीं लगाना, ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। यहाँ पर आप बता रहे हो, मतलब अगर आप दो बार ब्रश करते हो, ऐसे दो बार ही ब्रश करना चाहिए अगर आपको अपने दांतों को चमकदार और अच्छा रखना है, तो आपको आज से ये प्रयोग करना है और दो बार ब्रश करना है, ठीक है? ओके मैम, मैं देखूंगी किसने इस चीज का यूज किया है कि नहीं किया है। ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, ये हमारा डन हो चुका है। अब हमारा आ गया रक्षी, रक्षी आप बात डेली विद क्लीन वाटर एंड सॉप विप विप योर सेल्फ ड्राई विद ए क्लीन टॉवल टॉवल गुड। तो इसमें क्या बता रखा है, ओके रक्षी, ये जो लास्ट में है, मेरा माउस दिखाई दे रहा होगा ये आपको, ये वाइप है, ठीक है, वाइप। अच्छा, ये वाइप होता है पोछना, क्या होता है, पोछना। अच्छा, वाइप पोछना। तो बोला कि बाथ डेली विद क्लीन वाटर एंड सोप, क्या बोला, वाइप योर सेल्फ ड्राई विद ए क्लीन टॉवल, वाइप योर सेल्फ डेयर, यानी जो हमारी स्किन जो ड्राई हो जाती है, विद ए क्लीन टॉवल,
तो हमें सुखाना चाहिए अपनी बॉडी को, मतलब टॉवल से उससे सुखाना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, नहीं सुखाना चाहिए, क्लीन टॉवल से, ठीक है, हमें हर रोज नहाना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, और हमें साफ पानी से नहाकर पोछना चाहिए, अपने आप को सुखाना चाहिए, साथ में यस मतलब टॉवल से सुखाना चाहिए, इन्होंने इतना बता रखा है, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हो मैम, और मैम कि मैं तो अपने में एक बार नहाती हूँ, क्या मैं 1 वीक को नहाती हूँ, मैंने वन ये नहीं वीक पूछा कितना नहाते हो, मैंने ये पूछा जब भी आप नहाओ तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक अच्छा, हाँ ओके मैम, है। बाथ डेली विद क्लीन वाटर एंड सोप, वाइप योर सेल्फ। अच्छा मेरे पीछे से सारे रीड करो, बाथ डेली बाथ बाथ डेली विद क्लीन विथ वाटर एंड सोप, वाटर वाटर एंड एंड सोप, सोप विप योर सेल्फ, वाइप योर सेल्फ, वाइप योर सेल्फ ड्राई विद ए क्लीन, ड्राई विद ए ड्राई क्लीन विथ ए क्लीन टॉवल, टॉवल, टॉवल। क्लीन टॉवल, वेरी गुड, तो आप ऐसे ही बता सकते हो, थैंक यू मैम, वाइप माय फेस, आई क्लीन माय आर्म्स विद टॉवल्स, मैंने अपने हाथ और कंधे या फिर अपना गला या फिर अपना फेस साफ किया विद टॉवल्स, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, टुडे आई बाथ विद सोप एंड क्लीन वाटर, या ऐसे ही बोल सकते हो, टुडे आई बाथ, देखो आप लोग जब अपने बारे में बताते हो पिछला तो आपको वॉज लगाना चाहिए, मतलब मैं वैसे ही इजी बता रही हूँ, टुडे आई बाथ विद क्लीन माई हेयर, जैसे किसी दिन आप शैम्पू से अपने बाल धोते हो तो वो दिन भी आप ऐसे बता सकते हो, ठीक ओके मैम, है। गुरुबा इसको रीड करो। मैम सबसे पहले क्या है? कौन कॉम यानी कंगी, कौन कौन यू आर हेयर एवरी डे वाइल इट इट मैम ये क्या है? वंस वंस ए वीक इसमें उन्होंने बोला है कि आपको अपने बालों को कंघी करना चाहिए एवरी डे, कॉम योर हेयर एवरी डे, आप ऐसे बोल सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप में, आई कॉम माई हेयर एवरी डे, टुडे आई कॉम माई हेयर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है ऑयल इन ए वन ए वीक, तो इसमें बोला है कि जो तेल है हमें हफ्ते में एक बार लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार होते हैं कि बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि एक हफ्ते में एक बार लगाना चाहिए हमें अपने हेयर पे तेल, ठीक है। अब ये वाला रक्षी तुम रीड करो, ओके मैम, ना समझ में आ गया आप लोगों को कैसे बताना है, जिस दिन आप लोग अपने बालों को कंघी करोगे बताना है आई कॉम माई हेयर एवरी डे या आई कॉम माई हेयर टूडे, टूडे आई कॉम माई हेयर, ओके। ओके हाँ लक्ष्मी से रीड करो, वॉश योर हैंड हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग ईटिंग योर मस्त मील मील मील्स, मील्स मील्स एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। टॉयलेट हाँ तो इसमें बोला है वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, अपने हाथ को धो खाने से पहले और खाने के बाद, ओके मेरे साथ यस सारे मैम, रीड कर, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड, गुरु बाप की आवाज नहीं आई, वॉश योर हैंड्स वॉश योर हैंड, वॉश बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, बिफोर बिफोर एंड एंड आफ्टर आफ्टर ईटिंग ईटिंग योर मील्स, योर बीन मील्स है यानी हमारे जो हेल्दी खाना होता है, ओ मैम हाँ मैंने मील्स मतलब जो हेल्दी खाना हमें सुबह के टाइम मिलता है वो, एंड आफ्टर गोइंग मील्स एंड आफ्टर गोइंग
टू द टॉयलेट, टू द टॉयलेट। तो इन्होंने बोला है कि अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद धो। दूसरा इन्होंने बोला है योर मील एंड आफ्टर मील्स, यानी आफ्टर गोइंग टू बेड, और उसके बाद अपने खाने के बाद जब तुम टॉयलेट जाते हो तो उससे उसके बाद भी अपने हाथ धोने चाहिए, ठीक है? ओके, यस मैम। जब आप अपना मील फिनिश करते हो यानी अपना खाना खत्म करते हो, उसके बाद आप वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम से आने के बाद अपना हैंड आपको वॉश करना चाहिए, ठीक है? यस सर। ओके गुरु भाई इसको रीड करो। इट योर मील्स, इट योर मील्स, इट योर मील्स ऑन time at eat okay ma'am eat healthy food healthy की spelling Rakshi and Guruba आप healthy की spelling देख लो यहाँ पे healthy healthy ठीक है डिक्टेशन का भी टेस्ट आपका लेना शुरू करूंगी मैं बस कुछ दिन और फिर उसके बाद करती हूँ। मैंने बोला है कि ईट योर मील, जब अपना खाना आप खाते हो उसको टाइम पर खाया करो, ऑन द टाइम। यानी मान लो मैं अपने पे एग्जांपल लेती हूँ, मैं हूँ, मेरे को सुबह 8 बजे खाना खाना चाहिए, उसके बाद दोपहर में मुझे 1:30 बजे या 1:30 बजे मेरा खाने का टाइम है, और रात में फिर मेरा मतलब इसके बाद मेरा 4:30 बजे टी है, यानी हमारा मतलब मेरा, मैं एक बार सही से लिख कर दिखा देती हूँ। ओके तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, जैसे सुबह 8 बजे मेरा है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में मेरा दूध ब्रेड जो भी आता है मेरा ब्रेक है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। और सेकेंड मील में मेरा सेकेंड में क्या था मेरा मेरा आप 1:30 बजे 2 बजे रख लो, 2 बजे मेरा लंच का टाइम है, ठीक है? और 4:30 बजे या फिर 5 बजे मेरा चाय का टाइम है टी, और 8 बजे मेरा डिनर का टाइम है। समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ हाँ बोलो। आफ्टर और इवनिंग में डिनर और लंच करती है, ब्रेकफास्ट नहीं। आप लोग का कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो अपने खाने को टाइम टू टाइम खाओ, क्योंकि मैं बताती हूँ खाना टाइम पर नहीं खाने से, जैसे आपने मान लो मैं छोटी सी साइंस के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि ये लड़का है इसको हम नाम देते हैं जो, ठीक है? जियो, जो 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 है ना हर रोज सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करता है, क्या करता है? ब्रेकफास्ट 7 बजे सुबह करता है। मैं आप सभी की बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ये ना 9 बजे सो के उठा, ठीक है? 9 बजे सो के उठा, फिर ये रेडी हुआ तो 10 बज गया, इसने खाना अपना 10 बजे शुरू किया, 10:30 इसने खाना अपना 10:30 शुरू किया, ठीक है? एवरी डे जो उसका एवरी डे था, जो उसका एवरी डे था उसमें ये तो 7 बजे पता था, है ना? और एक दिन, ध्यान से सुन लेना ये साइंस है, एक दिन उसने 10:30 बजे खा लिया। इससे क्या होता है मैं बताती हूँ। अच्छा, जब आप लोग खाना नहीं खाते हो तो आपके पेट में गरम गरम सा कुछ फील होता है, मतलब भूख सा, जलना सा फील होता है? एसिडिटी होती है। एसिडिटी होता है। मैं बताती हूँ, जब हम लोग, जब ये लड़का हर रोज 7 बजे खाता था ना, फिर ये हेल्दी रहता था। क्या रहता था? हेल्दी, हेल्दी। लेकिन एक दिन इसने 10:30 बजे खा लिया तो उससे क्या हुआ, मैं बताती हूँ उससे क्या फर्क पड़ा। इसको नहीं पता कि इसको क्या फर्क पड़ा, इसको नहीं पता, ये बिल्कुल अनजान है। मैं बताती हूँ, 7 बजे हम जब खाना खाते हैं तो हमें 7:30 बज जाते, तो खाना खाने के बाद ना हमारा जो पेट है ना वो एक एसिड छोड़ता है, एसिड यानी तेजाब, ठीक है?
तो तेजाब छोड़ता है। तेजाब के बाद ना जब वो खाना टाइम पर इसने नहीं खाया सुबह के, मतलब एक दिन मंडे का दिन था जो उसने 7 बजे खाना खाया, तो मंडे के 7 बजे इसने खाना नहीं खाया लेकिन ये सो रहा था, इसके पेट ने वो एसिड छोड़ दिया, यानी वो जो खाना को गला कर जो वेस्ट हमारी जो बॉडी बनती है और जो सही होता है वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो उस दिन वो एसिड निकला, लेकिन एसिड निकला ना तो इसने, इसका पेट खाली था, इसने तो कुछ खाया ही नहीं ना 7 बजे, तो पेट में एसिड निकला, एसिड ने अपना काम कर दिया क्योंकि ये हर रोज 7 बजे खाता था, उसने एसिड छोड़ दिया। अब इसके पेट में जो खाना नहीं था तो इसके पेट में, इसके पेट को वो एसिड खाने लगा, यानी इसका पेट अंदर से वो जैसे कि आग जो तेजाब होता है उसको कहीं भी रखो बॉईल होता रहता है, बॉईल हो रहा था, यानी अब क्या होगा इसका पेट निकल जाएगा, इसको एसिडिटी होगी, फिर इसको खाना पचाने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। इसीलिए हमें एक चीज सिखाया जाता है कि हमें हमारा खाना टाइम टू टाइम करना चाहिए। अगर गुरु 10 बजे सो के उठती है और खाना वो 11 बजे खाती है तो उसे एवरी डे हर रोज ये करना पड़ेगा, कभी वो 2 बजे खाएगी या सुबह के 7 बजे खाएगी तो ये 7 बजे खाना कोई प्रॉब्लम नहीं देगा अगर वो 11 बजे खाती है तो, लेकिन जो वो 2 बजे खाती, जो वो 11 बजे खाती थी और अगर उस दिन उसने 11 बजे नहीं खाया ना तो उस दिन उसका पेट एसिड छोड़ देगा और उसका फिर क्या करेगा, उसका पेट उसको दर्द करेगा, जलेगा, उसको पोटियां लग जाएंगी, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। yes, ना जो खाना है वो टाइम टू टाइम खाया करो, जैसे रक्षी को सुबह 10 बजे खाना खाना था, इसने 2 बजा दिए, तो वो जो 2 बजा है ना वो इसको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो जो अंदर इसका पेट है ना वो पछता रहा है, वो जल रहा है और इसकी सजा मिलती है, इसीलिए अपना खाना टाइम टू टाइम करो, ठीक है। अब रक्षित वाला पढ़ो। यस मैम। वेटर वेटर अच्छा वेटर क्लीन एंड इन बेड इनो बेड क्लॉथ चेंज योर क्लॉथ बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। ओके, इसमें इन्होंने बता रखा है कि जब आप सोने जाते हो ना, अभी तो हमने ईटिंग की बात की वो ये था, अब हम इसके बारे में बात करें, जब आप बेड पर सोने जाते हो तो पूरे दिन जो आप कपड़े पहने रहते हो ना, जो पूरे दिन आप कपड़े पहने रहते हो वो कपड़ा नहीं पहनने चाहिए हमें, हमें अपने रात के लिए एक अलग सा नाइट सूट लेना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उसके पास अगर 2 जोड़ी कपड़े हैं तो जो एक जोड़ी कपड़ा जो थोड़ा सा फटा भी होगा तो रात में उसको अलग कपड़ा लेके सोना चाहिए बेड पर। योर क्लोथ चेंज योर क्लोथ बिफोर गोइंग टू बेड और गोइंग टू स्लीप एट नाइट, जब रात में आप सोने जाते हो तो आपको अपने जो कपड़े हैं वो चेंज करने चाहिए, ठीक है। मैम रात में कपड़े बदलना जरूरी होता है? वैसे तो जरूरी नहीं होता, लेकिन जो बाहर लोग काम करते हैं उनके लिए तो जरूरी होता है, जरूरी तो वैसे हमारे लिए भी होता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप रात में अपना कोई नाइट सूट बना लेते हो, नाइट सूट का मतलब होता है सूट सलवार नहीं, नाइट सूट का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे आप सूट सलवार रख लो, चाहे आप ऐसे टी शर्ट और ऐसे पैंट रख लो, कोई ठीक है, लेकिन बस होना चाहिए, तो रखना वैसे अच्छी बात है, ठीक है, कोशिश करना कि आपके पास हो। अब आज की क्लास ना हम यही एंड कर रहे हैं, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। और मेरी बात सुन लो सारे बच्चे, यहाँ से आप सभी को, यहाँ से लेकर आप सभी को यहाँ तक, जहां तक मैंने आज करवाया है यहाँ तक लिखना है, ये सारा लिखना है अभी तक जितना हम मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। ये लिखने के बाद सभी को रीड कर सुनाना है, ठीक है। ओके मैम, मैं कैसे क्वेश्चन ले लूं? या वीडियो देख के करना पड़ेगा आपको, और इसको रीड करके सुनाना भी है। पहले आप इंग्लिश में मुझे एक्सप्लेन कर, इंग्लिश में सुना दोगे, उसके बाद हिंदी में भी एक्सप्लेन करना है, और मुझे आप सब बताना कि आप लोग टाइम टू टाइम खाना कितने बजे खाते हो, ठीक है। ओके ओके मैम।
अब आज की क्लास हम ये एंड करते हैं, बाय ऑल, बाय ऑल, बाय बाय बाय। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? हमने वो क्लास किया था कि बिल कैट को मिलाया था कैट को, और ये नहीं पूछा, मतलब हमने गुड हैबिट के बारे में बात की थी। यस मैम, यस मैम, हमने अपनी बॉडी के बारे में बात की थी इसपे। यस मैम। और ये हमारा दो पेज हो चुका था, आज हम इससे शुरू करने वाले फैक्ट आंट यानी चींटियों के बारे में। इसको रीड करो रक्षी। ओके मैम। नेस्ट बुक नाइस मैम, ये क्या लिखा है? नील्स। अच्छा, नील्स नील्स ग्रो फास्टर इन Some summer, then in winter, finger nails grow faster. Time your then two nails नहीं हो गया। ओके, तो इसमें इन्होंने बता रखा है जो नेल्स होते हैं ना, हमारे जो नखून होते हैं, जी जी, वो बहुत तेज से बढ़ते हैं किसमें? गर्मी में एंड इन विंटर, मतलब सर्दियों में सबसे ज्यादा नखून बढ़ते हैं। जो हमारे फिंगर के नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं पैर के नेल से, मतलब पैर के नेल्स उतने ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं होते जितने हमारे फिंगर के होते हैं, ठीक है, सर्दियों में। और गर्मियों में होता है, लेकिन सर्दियों में सबसे ज्यादा नेल्स आते हैं हमारे, ठीक है। ओके, अब नीचे वाला रीड करो आप। ओके मैम। टाइम योर नेल्स वंस ए वीक, कीप देम शॉर्ट एंड क्लीन। ओके मैम। ट्रिम लिखा है, टाइम नहीं लिखा है, ट्रिम योर नेल्स वंस ए वीक। हमें अपने एक वीक में क्या करना चाहिए? ट्रिम करना चाहिए, यानी जो सफाई करने वाला है वो करना चाहिए शॉर्ट एंड क्लीन। हमें अपने नाखून को काट कर छोटा करना चाहिए और साफ रखना चाहिए, ठीक है? ओके, ओके मैम। गुड। ओके, इसे रीड करो। स्लीप ऑन टाइम, स्लीप फॉर एट लेस्ट। अच्छा, लेस्ट Night hours, at night. Sleep on the time. सोना चाहिए टाइम पे, sleep for late night hours at night. मतलब थोड़ा बहुत बता पाओगी रक्षी? Yes, yes. मतलब ये हमें टाइम पर सोना चाहिए। एक बार रीड दोबारा करो। Okay, मैम। तो करना बट सही करना, okay? Sleep on time, sleep hour four eight last night hours eight night. मतलब ये हमें टाइम पर सोना चाहिए। उन्होंने बता रखा है कि हमें टाइम पर सोना चाहिए और स्लीप मतलब कम से कम हमें 8 घंटे सोना चाहिए रात में। ओके, यहाँ पर एट आवर्स लिखा है, एट आवर्स। ओके, एट आवर्स। क्लियर है सुरक्षी? यस क्लियर है। प्लेइंग, यहाँ पर अभी इन्होंने क्या बता रखा है? रीड करो एक बार इसको, ये ग्रामर सेइंग दे रखा है और हमें मेन यहाँ से करना है, तो इसे रीड करो रक्षी एक बार। ओके मैम। एक्सरसाइज एवरी डे एंड प्ले
आउट बॉडी आउट बॉडी आउटडोर है आउटडोर सॉरी मैम गेम्स दी लिव में यू कहाँ है दे विल दे विल मेक यू हेल्दी एंड एक्टिव एक्सरसाइज एवरी डे जो एक्सरसाइज करता है एवरी डे और खेलता है आउटडोर गेम मतलब घर से बाहर जो भी मतलब पार्क में बैडमिंटन क्रिकेट आउटडोर गेम खेलता है गेम्स जो मतलब इसमें बताया एक्सरसाइज जो एवरी डे करता है और जो बाहर गेम खेलता है गेम यानी सिर्फ मोबाइल फोन वाला गेम नहीं अलग गेम ठीक है दे विल और वो क्या होते हैं वो हेल्दी रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं मतलब हाँ ये आपको क्लियर है हाँ जी मैम बिल्कुल क्लियर है मुझे एकदम एक्टिव रहते हैं जो एवरीडे एक्सरसाइज करते हैं और एवरीडे खेलते हैं ठीक है यस मैम ओके अब यहाँ पर हमारा ये नहीं है अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू है एक्सरसाइज टाइम में ओके अब यहाँ पर इन्होंने रक्षी इन्हें रीड करो ओके मैम वी मस्ट स्लीप लेट लेट एट नाइट अब रुको कलर द सर्कल ग्रीन फॉर ए गुड ग्रीन सर्कल करना है जहाँ गुड हैबिट है एंड रेड सर्कल करना है जहाँ हमारे बैड हैबिट है अब इन्होंने पूछा है क्या रात में सोना अच्छी हैबिट है तो हमारे पता है हमें कि नहीं अच्छी हैबिट है सुरक्षित दोबारा रीड करो वी मस्ट कॉम्ब मस्ट है मस्ट एम यू एस टी मस्ट वी मस्ट कॉम्ब आवर हेयर एवरी डे ओके इसमें इन्होंने बता रखा है वी मस्ट मतलब हमें अपने बालों को आवर हेयर एवरी डे हमें अपने बालों को एवरी डे कंघी करना चाहिए गुड हैबिट नेक्स्ट रीड करो रक्षी थ्री वाला वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग And at night. At बोला करो. At night. At night. We should का मतलब कुछ होना होता है. क्या हमें brush our teeth. हमें अपने मतलब brush करना चाहिए. मतलब हमें teeth को धोना चाहिए. Brush करना चाहिए. Morning में भी और night में भी. तो रक्षी तुम करती हो? मैं तो every day morning में करती हूँ पर night में नहीं कर पाती. ओके क्योंकि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद रात में ये जरूर करना चाहिए मुंह से कभी स्मेल नहीं आती कोई बात नहीं चलो फोर्थ वाला रीड करो वी शुड वेयर ड्राई क्लोथ दोबारा बोलो वी शुड वेयर ड्राई क्लोथ इसका मतलब मुझे बताओगी थोड़ा वी शुड वेयर ड्राई मतलब हमें सूखे कपड़े हाँ हाँ बोलो बोलो हमें सूखे कपड़े पहनना चाहिए वाओ गुड पर इसमें तो लिखा हुआ है हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए हैं तो मैम ये तो ड्राई लिखा है ना ठीक से पढ़ो ना Wear dirty clothes. Oh my God! Sorry, ma'am. Wrong. Wrong हो गया. Okay, नीचे वाला पढ़ो. We must keep our nails short and clean. इसका मतलब मैं बताऊँ, ma'am? हेलो मेरी आवाज आ रही है हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको
हाँ मैंने इसको मतलब बता दिया कि हमें अपने जो नेल्स हैं उनको हमेशा साफ रखना चाहिए, और छोटे रखना ठीक चाहिए। है? ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? ओके रक्षी, इस क्वेश्चन को रीड करो। ओके मैम, मैम ये इतनी तलक नहीं आ रही मुझे। मेक मेक ऑरेंज सर्कल अराउंड द थिंग यू यूज डेली, एंड इसमें मतलब तुम्हें वो चीजों को सर्कल करना है ऑरेंज कलर से जिसको तुम हर रोज यूज करती हो, एंड ब्राउन सर्कल अराउंड द थिंग यू यूज वन ए वीक। फिर उसके बाद जो ब्राउन कलर का है उसको आपको सर्कल करना है जो आप वीक में यानी हफ्ते में एक बार यूज करती हो। ओके तो मुझे बताओ मैं सर्कल कर रही हूँ, पहले मुझे यूज करने वाला बताओ, मैं ऑरेंज सर्कल कर रही हूँ, बताओ। मैम, पहला तो ऑरेंज लग रहा है, वो लग रहा है मुझे मैम, जैसे ये शैम्पू बताना लग रक्षी, रहा है मुझे। रक्षी इसमें से देख के कोई मत बताना क्योंकि ये गलत हैं सारे, ठीक है? तो मुझे अपना बताओ कि ऑरेंज वाला सर्कल करूँ जो तुम रोज यूज करती हो, बताओ। जो रोज यूज करते हो मेरे पास ब्रश तो आ रहा है, जो रोज ब्रश कर दिया मैंने ऑरेंज। ओके नेक्स्ट, ब्रश और मैम टॉवल। टॉवल कर दिया। ओके मैम कंघी, क्या लिखा हुआ ये पढ़ो ना, कॉम्ब, कॉम। कर दिया। ओके शैम्पू और और साबुन, टॉप। मैं साबुन तो यूज ही नहीं करती। वेट, एक तो शैम्पू हो गया और हाँ दूसरा आपने क्या बताया था? साबुन। स्टॉप। यस मैम, यस तो और बस इतने ही? ऑयल, ऑयल मैम, ऑयल। ओके ऑयल बस इतना ही? यस मैम, यस मैम। ओके चलो और मैम कटली, मैम ब्रा। नाखून, मैम ओके ये तो सारे ऑरेंज वाले ही हो गए रक्षी। अच्छा ओके तेल हाँ यस तुम हर रोज यूज नहीं करती हो, पहला। दूसरा हाँ, शैम्पू भी हर रोज यूज नहीं होता है, ब्रश होता और है हर रोज यूज करती हो तुम साबुन, शैम्पू। शैम्पू नो मैम। तो शैम्पू हम हफ्ते में एक दिन बाल धोने के लिए यूज करते हैं, उसके बाद ही तो तेल भी लगाते हैं, बाकी तो यस मैम सॉरी। करती हो, फिर ये भी यूज करती हो, ये भी यूज करती हो, ये भी यूज करती हो, ये भी, बल्कि नेल कटर भी आई। हमारा तो वैसे 2-3 दिन में ही नेल्स बढ़ जाता है, लेकिन हम हर हफ्ते ही नेल्स काटते हैं, हर रोज नहीं काटते नेल, इस वजह से ये भी नहीं आएगा। 3 आपके गलत हो गए रक्षित, सॉरी मैम, सॉरी बोलने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा फोकस करो इस पे, ठीक है? ओके तो अब हम यहाँ हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। रक्षी फर्स्ट वाला रीड करो। रक्षी, यस मैम रक्षी सॉरी। वॉश योर हैंड विथ एंड ये यहाँ पर मिसिंग वर्ड है, यहाँ पर आप क्या डालोगी? वॉश योर हैंड। आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो मैम। ओके वॉश योर हैंड विद सोप, यहाँ तो सोप आएगा, एंड ओ एंड यहाँ क्या आएगा? ओके मैम, ओके नहीं जवाब पूछा है मैंने, एक तो मैंने बता दिया, एक आप बताओ। एंड मैम हैंड वॉश आएगा, हैंड वॉश वॉश। योर हैंड विद सोप, यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ स्पेलिंग ढंग से, फिर आपको आएगा। नहीं
एक मिनट. ये ओ है, ये ए है, ये ए में भी ये होगा. ये सोप एंड वाटर. ओ रक्षी आपको नहीं आया, मतलब आपने पुराना याद नहीं किया था, इसलिए आप फेल हो गई. ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब दो रक्षी. ओके ए एवरी डे बताओ. यहाँ तो तुम्हें एवरी देगा मैम, ये मुझे समझ नहीं आया. टेक ए एवरी डे. अब मैं बता देती हूँ, टेक ए बाथ एवरी डे. ये भी नहीं आया रक्षित तुम्हें. ओके अब ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला रीड करो सबसे पहले. चेंज योर क्लॉथ. क्या आएगा यहाँ पे? क्लॉथ, क्लॉथ कपड़े. क्लॉथ की स्पेलिंग बताओ. क्लॉथ की स्पेलिंग CCOL और TH TH E. मैम क्या ये सही है? नहीं गलत है. इसमें आपको CLOTHES करना चाहिए था. क्लोथ, क्लोथ, क्लोथ का कपड़े का मतलब सिर्फ एक कपड़ा होता है. क्लोथ मतलब एक से ज्यादा होते हैं, और हम एक कपड़ा ही थोड़ी ना पहनते हैं. हम शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, है ना. ओके फोर्थ वाला क्वेश्चन रीड करो. ओके वेयर एंड क्लोथ. इसका मतलब मैम देखिए मैम. मैं समझ गई मैम. मैंने ये लिखा है कि हमें गंदे कपड़े पहनना चाहिए, है ना. यहाँ आपसे ऑप्शन ही पूछा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे यहाँ नहीं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. आपसे गंदे और सही कपड़े का नहीं पूछा है. मैं और इसका नहीं मैं समझ में आया. क्या 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 एक तो मैं समझ में नहीं आया, पर यही लिखा है. हाँ, मुझे तो पता आगे क्या है. कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ. वर क्लीन एंड एंड मैम ये वर्ब लिखा है. आयरन यानी इस्त्री. आयरन यानी इस्त्री. वर्ड क्लीन मतलब हमें कपड़े साफ और इस्त्री वाले पहनने चाहिए. रक्षी आपका एक पॉइंट ही आया है जो आपने यहाँ पर लिखा था, चेंज योर क्लोथ बिफोर गोइंग टू बेड. बस यही आया, और आपको चारों में मतलब तीनों में आप फेल हो गई. उसमें भी आपने क्लोथ में भी स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी थी. ओके अब हम आ जाते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे. अब हमारा यहाँ पर क्या आया है, सर्कल द करेक्ट आंसर. यहाँ पर अब करेक्ट आंसर पे आपको ऐसे सर्कल करना है, वो मैं करूंगी, आप मुझे बताओगी, ठीक है. क्या मैं क्या कॉपी करना है? सर्कल द करेक्ट आंसर. आपको सही आंसर पे सर्कल, सर्कल पता है ना. हाँ यस मैम, यस मैम. हाँ चलो ये रीड करना शुरू करो. फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला. वी शुड ब्रश आवर टीथ. मैम जी क्या लिखा है? टी डब्ल्यू टू बैक एंड शोल्डर. क्या बोल रही हो रक्षी? मैम ये यहाँ पे टीथ के पास जो लिखा है, क्या लिखा है? टीथ के पास टीथ कहाँ है? आपने ये तो बोला वी शुड ब्रश आवर टीथ. हाँ मैंने बोला आवर बैक एंड शोल्डर्स.
शोल्डर और ये है इजी टू पुश एंड कैरी थिंग. ओके रक्षी एक काम करो, ये बहुत इजी वाला काम है, ये आप स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में करके मुझे भेजना. जैसे इसमें क्या करना है, ये सारा आप लिख लेना, उसके बाद जो सही चीज है उसको आप सर्कल करके भेजोगी. जैसे वी शुड ब्रश आवर टीथ. यस. उसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है one a day. नहीं, twice होता है दो बार और once होता है एक बार. एक बार इसने पूछा है वी शुड ब्रश आवर टीथ twice once a day. तो इसमें पूछा आपको ब्रश एक दिन करना, दिन में एक बार करना चाहिए दो बार करना चाहिए, तो आप ऐसे दो बार पे सर्कल करके मुझे भेजोगे. ठीक है मैम. अभी नहीं नहीं, ये होमवर्क है आपका. ओके मैम. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे. तो हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या करना है. ओके यहाँ पर है वी वॉक विद आवर, यहाँ क्या आएगा रक्षी. वी वॉक विद आवर वी वॉक विद आवर लेग. तो नहीं मैम मुझे नहीं तो आएगा नहीं ना रक्षी. क्या मैम. हम वॉक तो अपने पैरों से नहीं करते ना रक्षी. हाँ यस यस हाँ लेग शायद नहीं करते क्योंकि इसमें इतना इजी पूछा है. वी वॉक विद आवर, हम वॉक करते हैं. लेग्स आपको लेग्स बताना था, आपको ये भी नहीं आया रक्षी. इसका मतलब आपको जरूरी है पुरानी वीडियोस देखने की. ठीक है आपका होमवर्क है कि आपको पुरानी वीडियो पूरी देखनी है और उनका होमवर्क दोबारा से करके मुझे सारा भेजना है. ठीक है. ओके मैम. और यहाँ पर नहीं है ठीक से तो चलो मैं बता देती हूँ. वी यूज आवर, मैं बताऊ मैम. हैंड 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 हाथ. वी यूज आवर डैश टू ट्राई ये राइट. तो यहाँ पर क्या आएगा. हैंड हैंड हाथ. वी यूज आवर हैंड टू राइट. हाँ यहाँ बिल्कुल सही है, हैंड आएगा. गुड, यहाँ आप जीत गई हो. गुड. ओके नेक्स्ट वाला रक्षी. वी हैव ऑरेंज. मैम इसमें ये पूछा जा रहा है कि मतलब आप एवरीडे को कौन सी चीज यूज करती हो. मतलब यहाँ पे चैंसिल लिखा है. वी हैव हैव का मतलब कोई चीज हमारे पास होना. अच्छा चैंसिल चैंसिल ऑरेंज ऑरेंजेस. इसका मतलब आप क्या क्या यूज कर एवरीडे कौन सा यूज करती हो. ऑरेंज जैसे ब्रश है और टॉवल है, टॉप है, कंघी है बस. यहाँ पे पूछा है हमारे पास कितने मतलब ऑरेंजेस हैं. ऑरेंज तो हमने पढ़ा था किसी के पास ऑरेंज थे. ओके ये अभी छोड़ दो, ये अभी नीचे वाला पढ़ो तुम. ओके मैम. आवर स्किन हेल्प्स अस टू उसके आगे इसके रुकिए मैम. हमारी स्किन क्या हेल्प करती है. रक्षी ज्यादा टाइम हो रहा है. हमारी रक्षी रक्षी हमारी स्किन हमें फील कराती है हर चीज.
आवर स्किन हेल्प अस टू फील, अगर हम अपने हाथों से किसी चीज को टच करते हैं तो हमें फील होता है कि हमने क्या टच किया. ओके फिफ्थ वाला रीड करें रक्षी. ओके मैम, वी शुड कंब कॉम्ब आवर हेयर. इनमें लिखा है हमें हमें मतलब बालों में क्या लगाना चाहिए, कंघी करना चाहिए. यहाँ क्या आएगा रक्षी? यहाँ मैम मैं बताऊँ, ऑयल. मैम ऑयल आएगा. ऑयल हम ये वी शुड कॉम आवर हेयर एवरी डे भी लगा सकते हैं यहाँ पे. एवरी डे यहाँ एवरी डे आएगा. हम ऑयल तो हर रोज नहीं लगाते ना रक्षी. ओके ओके मैम, वी हैव हैंड फील फीट. हमारे पास दो हाथ हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है TWO2, पर यहाँ पे भी एंड टू फीट, दो पैर है ना हमारे पास. लास्ट वाला आपको करना है और एक बार हम नीचे देख लेते हैं. ज्यादा होंगे तो हम कल क्लास लेंगे, नहीं तो थोड़ा होगा तो हम अभी क्लियर कर देंगे. तो चलो देखते हैं कितने बचे हुए हैं. ये लास्ट है और रक्षी ये आपको कंप्लीट करके भेजना है. जैसे कि ये यहाँ पे ये बने हुए हैं, यहाँ पर आपको वो डब्बा में जो भी ये डब्बा खाली है उसमें वो भरना है. जैसे ये आईज लिखा हुआ है तो आप देखना है कि आईज ये कैसे बनेगा. आर्म ARM आर्म कैसे बनेगा, ठीक है? तो ये आपको करके लेके आना है. और दूसरा ये यहाँ पर दे रखे हैं एग्जाम्पल, इनके नाम आपको करने हैं. इतना चाहिए इतनी.